नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और स्वागत करता हूं एक नए फ्रेश वीडियो में। ट्रेडर्स, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आज के लिए क्या आपको क्या बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास आता है तो आपको सेफ बाय मिलेगा। डिट्टो वही हुआ जो मैंने बताया था आपको। इनफैक्ट मैंने आपको यूट्यूब पे 42,300 का मैंने पुट ऑप्शन दिया था। इनफैक्ट एक चीज और, मैंने 41,800 का कॉल ऑप्शन भी दिया था। यह बोल के मैंने बताया था कि भैया अगर 42,000 के आसपास आता है तो बाय करके चलना। डिट्टो वही हुआ है जैसे मैंने बताया था। नाउ भाई, कल है एक्सपायरी। इस वीडियो में मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का बेस्ट सटीक एनालिसिस, डीप डाउन एनालिसिस प्रेडिक्शन दिया है एक्सपायरी के लिए, दैट मीन 20 अप्रैल के लिए। अच्छा, इसी के साथ मैंने तीन जैकपॉट ऑप्शन ट्रेड बताए हैं जो कि जीरो टू हीरो होंगे। ठीक है, तो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग एंड वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और कल मैं इतना बता दूं, कल की एक्सपायरी हमारी वन ऑफ दी बेस्ट होने वाली है। कल एक्सपायरी में धमाका होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ मैंने दो स्टॉक भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और बस एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो बढ़िया बढ़िया ट्रेड दे रहा हूं उसके लिए यार एक चीज में मेरे को बस चाहिए, लाइक और कमेंट। आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10,000 और कमेंट एम रखते हैं 1,000 प्लस। ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूं, बट उससे पहले देखो कल हमारा एक्सपायरी है। ध्यान रखना, कल भी मार्केट 50% ऊपर जा सकता है, 50% नीचे जा सकता है। आज भी क्या हुआ था, राइट, देखा आप लोगों ने, सेम हुआ, दोनों साइड मार्केट चला। एक आपको चीज बता दूं, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, देखो 42,000 यानी 42,000 के पुट पे हैवी राइटिंग देखने को मिल रही है। 2.5 लाख और 1.25 लाख ऐड हुए हैं पोजीशन, यानी 42,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा एक है हमारा 42,300 का जो कॉल है, यहां पे हैवी राइटिंग हमको देखने को मिल रही है, लगभग 2.25 लाख और 1.25 लाख पोजिशन एड हुई है। That means उछाल में हमको थोड़ा सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। All right, और US का मार्केट देखो नेगेटिव है, जो US का फ्यूचर्स है वो 150 पॉइंट से नेगेटिव है। और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है, मैंने क्या बताया था कि एक तो 42,200 के नीचे हमको सेल करना था, हमने किया, पैसा बना। मैंने एक चीज और बताया कि बैंक निफ्टी सेफ कब है, 42,000 के आसपास। जिसने मेरी बात सुन के 42,000 के आसपास कॉल लिया उसने आज जबरदस्त पैसा बनाया कॉल साइड भी। ठीक है, तो दोनों साइड मार्केट रहा। अब सुनो तो कल का क्या है, सुनो पहले तो मैं आपको समझाता हूं सेलिंग कैसे होगी। देखो सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास पता है क्या क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। 42,250 एंड 42,300 ये सेलिंग जोन है, राइट, सेलिंग जोन है, सेलिंग रेजिस्टेंस है। यहां पे आता है तो हमको बेयरिश हैमर देख के सेल करके चलना है। एक आपको लॉजिक बता दो, देखो पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है, तो ये देखो क्या है, पूरा सेलिंग सप्लाई जोन है। हमको हैमर कितने मिनट के चार्ट पे देखना है, 5 से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको देखना है, राइट। वहां पे अगर आप शॉर्ट सेल करेंगे तो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 42,150, सेकेंड टारगेट 42,000 का होगा। अच्छा, यहां पर यू कैन डू वन थिंग, आप लोग 42,500 का पुट ऑप्शन ले सकते हो 20 अप्रैल वाली एक्सपायरी। ये आपको 250 टू 240 मिलेगी, ये जीरो टू हीरो बन सकता है आपका कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन। ठीक है, आपका एसएल लगाना आप 230 का, टारगेट होगा 280, 300 एंड 340, ये तीन टारगेट हैं इस पुट ऑप्शन में। ठीक है ना, आज भी देखो क्या हुआ, मैंने ना आप लोगों को पुट ऑप्शन दे के मैंने पैसा बनवाया, मानते हो कि नहीं। ठीक है, तो पुट ऑप्शन क्यों दिया, क्योंकि देखो मैं एक चीज देख रहा था कि बार बार क्या बना रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, अच्छा एक रीजन और बता दूं मैं आपको क्यों हमको कल 300 के आसपास शॉर्ट सेल करके चलना है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है, ये हाई से नीचे, ये हाई से नीचे, ये हाई से नीचे। ठीक है, ये लॉजिक है। अच्छा, पैनिक सेलिंग देखो, एक होगी लेवल पैनिक सेलिंग, पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी 42,000 के नीचे। ठीक है, क्योंकि 42,000 पे क्या हैवी पुट राइटर है, जैसे ही 42,000 का लेवल टूटेगा ना वहां पे पैनिक क्रैश देखने को मिलेगा, टारगेट होगा फिर 41,800 का, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये टूटेगा तो मैं आपको सामने से पीटीएस ऐप में अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ध्यान रखना जैसे ही 42,000 का लेवल टूटेगा जो पुट राइटर है वो अपनी पोजिशन अनवाइंड करेंगे और यहां से पैनिक क्रैश देखने को मिलेगा 200 पॉइंट का। चलो अब समझते हैं बाइंग किसके ऊपर देखने को मिलेगी। सुनो, अब बाइंग देखने को मिलेगी 300 के ऊपर,
देखो आपको एक बॉक्स पैटर्न ओवरऑल बनते हुए दिखेगा ये, ठीक है, लास्ट में एक बॉक्स पैटर्न बनाएगा, यानी अगर इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 42,300 के ऊपर हमको 10 से 15 मिनट सस्टेन होते हुए दिखता है। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में मत प्रयास करना बाइंग का, सेकेंड अटेम्प्ट में, क्योंकि क्या करेगा, देखो सुनो मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट ऊपर जाएगा, बाय करोगे फंसाएगा, नीचे आएगा ऐसे हिट करवा के फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सेकंड अटेम्प्ट में बाय करिएगा, ठीक है, बाइंग के लिए 42,300 के ऊपर। ऑल राइट, टारगेट होगा 42,400 का, सेकंड टारगेट होगा 42,500। इस केस में यू कैन डू वन थिंग, बैंक निफ्टी का 42,100 का आप सी ले सकते हैं 20 अप्रैल वाली एक्सपायरी, ठीक है, ये आपको 220 to 240 के आसपास लेना है। SL होगा 210 का, ठीक है, टारगेट होगा 280, 300 and 330। ट्रेडर्स आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको प्रीमियम बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड पाने हैं, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, हमारे लिंक के थ्रू सच एज एंजल ब्रोकिंग, अलाइज ब्रू, दोनों में से किसी एक में अकाउंट ओपन करिए, फंड ऐड करिए, ट्रेड स्टार्ट करिए और हमको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, हम आपको देन ऐड कर लेंगे प्रीमियम ग्रुप में। आज ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने दिख रहा है, बहुत ही शानदार रहा हमारा दिन प्रीमियम ग्रुप का, ठीक है। अच्छा, एक तो आपने बाय समझ लिया, ठीक है, बाय कैसे होगा, दूसरा एक और बाय आप कर सकते हैं 42,100 और 42,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, पुट राइटर है। आज भी क्या हुआ, मैंने आपको ध्यान है आज के लिए क्या बताया था वीडियो में, 42,000 के आसपास सेफ रहेगा। भाई जो मेरी बातों को डिक्टो फॉलो करता है वो पैसा छापता है, इतना मैं गारंटी देके बोल सकता हूं, जो मेरी वीडियो को समझता है, लेवल्स को समझता है, एनालिसिस को समझता है, ठीक है। तो 42,000 के आसपास ऑप्शन चेन में 2,50,000 पुट राइटर है, यानी सपोर्ट है, नीचे नहीं जाने देंगे इतना आसानी से। तो यहां पे आने के बाद अगर बुलिश हमें बनाता है लाइक दिस, और जैसे ही बुलिश हमें हाइट उठता है, वी कैन गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 42,200, सेकंड टारगेट 42,300 एंड 42,400 का हमारा तीसरा टारगेट होगा। यहां पे कौन सा करप्शन लेके चलना है ये मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड में देखते रहिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक्सपायरी कल की जबरदस्त होने वाली है, ठीक है, नोट कर लीजिए, मार्क माय वर्ड, दिस इज गोल्डन स्टेटमेंट, कि कल मार्केट में आपको दोनों साइड मौका मिलेगा। देखो एक्सपायरी के एक दिन पहले रेंज बना के गया है बैंक निफ्टी, यानी कल एक इससे बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, तो बी रेडी, कल हमारा जैकपॉट एक्सपायरी होने वाला है। हाय ट्रेडर्स, आपको पता है मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर है वो लॉस करते हैं 10 बजे से पहले, बिकॉज 10 बजे से पहले वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है बैंक निफ्टी में। लोगों को लगेगा कि अब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, लोग कॉल ऑप्शन लेंगे, नीचे आ जाएगा, लगेगा नीचे जाएगा, पुट ऑप्शन लोगे, मार्केट ऊपर भाग जाएगा। ये इसलिए होता है बिकॉज आपके पास राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र प्रो स्ट्रैटेजी लेके आ गया हूं। ये स्ट्रैटेजी आपको फॉर श्योर 10 बजे से पहले गारंटेड प्रॉफिट बना के दे देगी, जब भी ये सेटअप बनाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइस कितना है, मैच 1,000 रुपीज है, और ये ना मैं आपको वन डे के अंदर रिकवर करवा दूंगा, ध्यान रखना। इसमें आप लोग को 28 अप्रैल तक एडुकेशनल पर्पज के लिए ट्रेड मिलेंगे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि नहीं पैसा बनता है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। परचेस लिंक मैंने दे दिया है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी 24 अप्रैल को एक किसकी लाइव डाउट क्लियरिंग क्लास होगी शाम को, और इतना मैं आपको गारंटी दे दूं, ये स्ट्रैटेजी आपके बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लॉसेस को कवर कर देगी। देखो निफ्टी का क्या है, निफ्टी जो है हमारा, तो देखो निफ्टी में हमको बाय करके चलना है 17,640 के ऊपर, क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है, ये हाई से नीचे है, ये हाई से नीचे है, ठीक है। 17,640 के ऊपर बाय करके चलना है, टारगेट होगा 17,000, यानी 17,690 एंड 17,740, ठीक है। इस केस में 17,600 का आप सी ले सकते हैं 20 अप्रैल, जो मैंने कॉल ऑप्शन दिया ना बैंक निफ्टी में, जो भी जितने मैंने ऑप्शन ट्रेड दिए हैं, 20 अप्रैल वाली एक्सपायरी है, ठीक है, कल ही वाली एक्सपायरी। अब सुनिए, यहाँ पे निफ्टी में आपको अगर बाय ऑन डिप करना है तो लगभग बिल्कुल हमारा सपोर्ट के आसपास ही है, 17,570 के आसपास। देखो आज क्या हुआ, आसपास आया, ऊपर गया, ठीक है, इसके आसपास आता है, बुलिश हॉर्न बनाता है, तो हमको बाय करके चलना है, टारगेट होगा 17,630 और 17,690, ठीक है। पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी 17,570 के नीचे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो 17,500 तक के हमको लेवल देखने को मिल जाएंगे। ट्रेडर्स वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 45% जनता हम देख रहे हैं ऐसी है जो लोग वीडियो को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बताइए ऐसे कैसे चलेगा। इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं, बढ़िया बढ़िया ट्रेड दे रहा हूं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर पता क्या करो, शेयर करो, ताकि सब लोग फायदा उठा सकें। आज ही देख लो जो मैंने बोला था डिट्टो सेम हुआ, और मैं इसको बार बार बोलूंगा, क्योंकि मैंने लोगों का पैसा बनवाया है, इसमें
मैंने शपथ ली है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को मैं वेल्दी बनाऊंगा स्टॉक मार्केट से, ध्यान रखिएगा। तो आज का दिन बहुत ही शानदार रहा पीटीएस ऐप और टेलीग्राम पे। एक तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट करवाया और उसके बाद मैंने लंच करवाया। मैंने ब्रेकफास्ट में आपको ट्रेड दिया था, पता है कौन सा? 42,500 का पुट ऑप्शन, जिसमें 30 से 40 पॉइंट देखने को मिला, ऑल टारगेट हिट हुआ, बहुत ही शानदार रहा पीटीएस ऐप और टेलीग्राम पे। और मैंने फिर से पीटीएस ऐप और टेलीग्राम पे मैंने 42,600 का मैंने पुट ऑप्शन दिया, जिसमें 45 से 55 पॉइंट देखने को मिले, बहुत ही शानदार रहा, सारे टारगेट हिट हुए। देर किस बात की, कल भी मैं शानदार जीरो टू हीरो के ऑप्शन ट्रेड देने वाला हूं पीटीएस ऐप और टेलीग्राम पे। भाई अभी के अभी जाओ डाउनलोड करो पीटीएस ऐप को, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए है, और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। 1,45,200 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। कल मैं जीरो टू हीरो के ऑप्शन ट्रेड देने वाला हूं इस पे, ठीक है? और ध्यान रखो हम पेड टिप्स नहीं देते हैं, हमारे नाम पे बहुत सारे फ्रॉड खुल चुके हैं, जो लोग पैसे मांग रहे हैं आप लोगों से पेड टिप्स के लिए। अरे ध्यान रखना यार, मैं नहीं हूं वो, ठीक है? बच के रहो ऐसे लोगों से। मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर क्रॉस चेक करो मेरे ट्रेड को, ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि नहीं पैसा बनाता हूं मैं, बनवाता हूं, ठीक है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतना मैं डंके की चोट पे बोल दूं, मैं जितना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड देता हूं ना बढ़िया वाले, और जितना मैं लाइव मार्केट में सपोर्ट करता हूं, कोई ऐसा यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे बंदा नहीं है जो कि आपको इस टाइप का सपोर्ट देता होगा। ये मुझसे आप लिख के ले सकते हो, मैं एग्रीमेंट साइन कर सकता हूं। कल के लिए दो स्टॉक हैं, वीबीएल और चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस को बाय करके चलना है। लॉजिक क्या देखो चोला फाइनेंस का, ब्रेकआउट है चोला फाइनेंस, देखो बॉक्स पैटर्न का ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट क्या ऊपर निकलने वाला, तो चोला फाइनेंस को बाय करके चलना है। अब 851 के ऊपर या तो फ्रेश बाय करोगे, ठीक है, बाय अब, या तो बाय ऑन डिप करके चलोगे 840 के आसपास, 840 के आसपास, ठीक है? ये है वीबीएल को बाय करके चलना है 1450 के ऊपर फ्रेश बाय, ठीक है? तो ये दो कल के लिए हमारे स्टॉक हैं। जान लेते सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड। तो देखो मैंने क्या बताया, यदि बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास आता है तो यहां पे आपको 41,900 का कॉल ऑप्शन लेना है। ये अब कहां लेना, सुनो, जिस टाइम पे जो भी उसका सीएनपी चल रहा होगा ना, उस टाइम पर अगर मान लो बुलिश हैंड बनाएगा, जैसे ही बुलिश हैंड का हाइट उठेगा, जो भी इसका सीएनपी चल रहा होगा, खरीद लीजिएगा ट्रेडर्स। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं आपको कल मिलता हूं, ठीक है, जीरो टू हीरो के ऑप्शन ट्रेड के साथ। बाकी सीखते रहो, समझते रहो। बाकी ट्रेडर्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपने मेरी वीडियो से क्या क्या सीखा, ठीक है? और आप लोगों ने आज यूट्यूब वीडियो देख के और टेलीग्राम और पीटीएस ऐप देख के आपने कितना प्रॉफिट बुक किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अच्छा, एक जाते जाते मैं आपको चीज बता दूं, अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो क्या करेगा, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना बना के ऊपर जा रहा है, तो अगर ऊपर जाना है तो 42,300 का लेवल तोड़ने के बाद ये ऐसे ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? बाकी जो लेवल बताया उसको फॉलो करना। जय हिंद।